गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपन पढ़ते हैं क्लास फोर्थ का पार्ट पाँच, एक बूंद। ठीक है, पाँच चार तक अपन ने पढ़ लिया था, अब अपन पढ़ते हैं पार्ट पाँच, एक बूंद। ये कविता है। ठीक है, पढ़ते हैं। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं बड़ी। ये कविता है। ये कविता महान कवि अयोध्या से उपाध्याय हरिओम द्वारा रचित यह कविता है और इसकी भाषा शैली बहुत ही सरल है। इसमें बारिश की कुछ बूंदों से प्रेरणा लेकर मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है। इस कविता का सार क्या है? बारिश की बूंद से प्रेरणा लेकर मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, यही कविता का सार है। अपन कविता को पढ़ते हैं। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से, बूंद के लिए कवि बता रहा है कि बूंद कह रही है कि मैं जैसे ही बादलों से बाहर निकली थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। एक बूंद बादलों की गोद से निकलकर, बादलों के बीच में से निकलकर आगे बढ़ी, फिर वह सोचने फिर यही जी में लगी, फिर यही सोचने लगी जी में लगी, मतलब जी मतलब होता है मन। वह अपने मन में यही सोच रही थी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूँ बढ़ी, कि क्यों मैं अपना घर छोड़कर मैं जा रही हूँ, मैं अपना घर छोड़कर क्यों आगे बढ़ रहा हूँ। आगे पढ़ते हैं। देव मेरे भाग्य में है क्या बढ़ा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बूंद जब बादलों की गोद से निकल रही है तो वो बोल रही है कि देव मतलब ईश्वर से कह रही है, हे ईश्वर मेरे भाग्य में क्या लिखा है और मैं क्यों आगे बढ़ती जा रही हूँ, मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी, मैं बच जाऊंगी या किसी धूल में मिल जाऊंगी, या फिर मैं किसी भी अंगारे पर गिरकर या तवा पे गिर के या आग में गिर के मैं जल जाऊंगी, या फिर मैं किसी भी कमल के फूल पर गिर जाऊंगी। क्या मेरे नसीब में लिखा है या मुझे नहीं पता, मैं तो बादलों की गोद से आगे बढ़ रही हूँ, मेरे भाग्य में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी, या किसी अंगारे पर जल जाऊंगी, या फिर किसी कमल के फूल पर गिर जाऊंगी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर की ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। जब वो बूंद निकल रही है और सोचती जा रही है कि मैं बचूंगी या जलूंगी या धूल में मिल जाऊंगी, तभी वह आती है, गिरती है, और उस समय ऐसी हवा चलती है, काल मतलब उस समय ऐसी हवा चलती है कि वह समुंदर की ओर से, वह आसमान की ओर से आई थी बड़ी दुखी होकर, लेकिन एक सीप का मुंह खुला हुआ था। सीप जानते हो ना आप लोग, एक सीप का मुंह खुला हुआ था और वह उस सीप के अंदर गिरकर क्या बन जाती है, मोती बन जाती है। ना वो धूल में मिलती है, ना वो जलती है, ना वो गिरती है, वह धूल वह मोती बन जाती है। लोग यूं ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है घर। इसमें कवि ने बताया है कि लोग झिझकते हैं, सोचते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, जबकि उनको अपना घर छोड़ना ही पड़ता है, किंतु जब वह अपना घर छोड़ते हैं तो वो कुछ और सोचते हैं, लेकिन समय एक ऐसा है कि वह कुछ भी कर देता है, आपको अच्छे से बुरा और बुरा से अच्छा बना देता है, राजा से रंग और रंग से राजा बना सकता है। इसीलिए हमें सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, ईश्वर को उसके ऊपर सब छोड़ के उसके बारे में सोचना चाहिए। इसमें पाठ एक है, एक बूंद। इसमें जो कवि हरिओत जी हैं उन्होंने बताया है कि एक बूंद जब अपने आसमान से निकल रही थी तब वह सोच रही थी कि मैं क्यों निकल कर अपने घर से जा रही हूँ, और
फिर वह सोचने लगती है कि क्या मैं अपना घर क्यों छोड़ रही हूँ। इसी तरह इंसान को भी सोचता रहता है कि मैं अपना घर क्यों छोड़ रहा हूँ, क्यों ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन ईश्वर बोलते हैं, ईश्वर से वो कहती है कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बचूंगी कि धूल में मिल जाऊंगी, मैं चलूंगी अंगारे पर या मैं चूम पड़ूंगी कमल के फूल पर, मैं क्या होगा यह मुझे नहीं पता, मैं तो चलती जा रही हूँ। लेकिन उसी समय ऐसी हवा चलती है, उसी समय ऐसा होता है कि वह जो समुंदर के वो जब घर से निकली थी तो बहुत अनमनी और दुखी थी, लेकिन एक सीप का मुँह खुला, एक सुंदर से सीप का मुँह खुला रहता है और वह उसमें जाकर गिर कर क्या बन जाती है, मोती बन जाती है। तब की वह सोच रही थी कि मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी, लेकिन उसको ईश्वर एक बहुत अच्छा रूप दे देते हैं, वह एक मोती बन जाती है। लोग ऐसे ही झिझकते हैं, सोचते हैं कि मैं अपना घर छोड़ कर यहाँ जा रहा हूँ, छोड़ना तो पड़ता है काम में अपना घर, लेकिन सोचते हैं मैं अपना घर छोड़ कर यहाँ जा रहा हूँ, किंतु लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है और समय और परिस्थिति कुछ भी कर देती हैं और बिना इच्छा के लोगों को अपना सब करना रहता है और बूंद लो कुछ और ही देता है कर, मतलब बूंद के समान अपनी जिंदगी, बूंद के समान ही अपनी जिंदगी है। ठीक है, इसमें इसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत जी हैं, और इसमें एक बूंद की कहानी, एक बूंद के बारे में बताया गया है। ऐसे ही अपना जीवन है, अपन लोग अपना जीवन जीते रहते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये हमें पता नहीं रहता है, हमारी ज़िंदगी भी ऐसे चलती रहती है। ठीक है बच्चों, आपको ये वाला पाठ पढ़ना है, उसका PDF भेज देंगे, आपको इसको पढ़ना है, समझना है और लिख लिख कर देखना है किसी रफ कॉपी में। ठीक है, इसको लिखो, पढ़ो और अपनी हिंदी अच्छी करो, मात्राएं अच्छी करो, मात्राओं पर विशेष ध्यान दो। ठीक है, ओके।